फरीदाबाद में निजी स्कूल सरेआम धड़ल्ले से शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना मान्यता के ही शहर के अलग अलग इलाकों में निजी स्कूलों को चलाया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा है। एक RTI का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग ने 8 निजी स्कूलों को बगैर मान्यता के ही स्कूल चलाने का दोषी पाया है और अब इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इन 8 निजी स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब इनकी पढ़ाई का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शिक्षा विभाग इतने दिनों तक चैन नींद सो रहा था? तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है यह वही फर्जी स्कूल है जिसको शिक्षा विभाग ने हाल ही में मान्यता के बगैर स्कूल चलाने का दोषी पाया गया था। अब इस गोरख धंधे के उजागर होने के बाद इन गैर मान्यता प्राप्त चलाने वाले स्कूलों में पढ़ाई वाले हजारों बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक गई है, क्योंकि स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल राज कपूर नाम के एक शख्स ने शिक्षा विभाग में 8 स्कूलों के खिलाफ RTI दायर की थी, जिसके जवाब में शिक्षा विभाग ने बताया था कि इनमें से मात्र 2 स्कूलों को मान्यता दी हुई है, लेकिन 8 स्कूल बगैर मान्यता के चलाए जा रहे हैं। अब आपको इन फर्जी स्कूलों की उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसके साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे और किस तरह से ये स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं फरीदाबाद के सरूरपुर के KP कॉन्वेंट स्कूल, या यूं कहें कि KP पब्लिक स्कूल। दोनों बातें एक ही हैं और दोनों में से किसी को कोई मान्यता शिक्षा विभाग की ओर से नहीं मिली है। यहाँ की वाइस प्रिंसिपल गीतांजलि से मिलकर एहसास हो गया कि इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य कितने अच्छे हाथों में शिक्षा का अध्ययन कर रहा है। जिस फर्जी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल को ग्रेजुएशन का मतलब नहीं पता, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बगैर मान्यता के चल रहे इस फर्जी स्कूल में बच्चों को किस गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही होगी। वही गीतांजलि वाइस प्रिंसिपल KP कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद, जिसमें ग्रेजुएशन के कई बार पूछा गया लेकिन मतलब नहीं पता था। वहीं इसके बाद जब लिस्ट में देखे गए बालाजी स्कूल को ढूंढने के लिए मीडिया टीम निकली, तो धरातल पर मौजूद उस जगह को देखकर हमारी आंखें खुली रह गई जिसमें बालाजी स्कूल को दिखाया गया और चलाया जा रहा था। शिक्षा विभाग से आंख मिचोली करता बालाजी स्कूल का नाम तो किसी भी तरह का कोई बोर्ड और ना ही किसी तरह से स्कूल दिखाई दे रहा था। वहीं इसके बाद हमारी समझ में आ गया कि कितने बड़े पैमाने पर स्कूल के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, और इसकी पड़ताल के लिए हमने शिवम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ रुख किया जिसका लिस्ट में नाम था, और ये फरीदाबाद के अगवानपुर इलाके में खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। जब यहाँ पहुँचे तो कुछ बच्चे इस स्कूल की बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे। जब मौके पर मौजूद महिला टीचर से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने के बारे में पूछा गया, तो टीचर ने कोई जवाब दिए बगैर स्कूल के चेयरमैन से बात करने के लिए कहा। जब चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर फोन पर माना कि उनकी मान्यता से संबंधित काम का प्रोसेस चल रहा है और इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर लेंगे, यानी कि बगैर मान्यता के ही वो बेधड़क स्कूल को दौड़ा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं चेयरमैन साहब। ये सिर्फ 10 स्कूलों के लिए लगाई गई उस RTI के ऊपर बनाई गई रिपोर्ट है जिसमें 8 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने फर्जी करार दिया है। सोचने वाली बात होगी कि अगर जिले भर में चल रहे सभी स्कूलों का ब्यौरा मांगा जाए तो शायद कुछ ही स्कूल होंगे जो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से चल रहे होंगे। कितना बड़ा फरेब और कितना बड़ा धोखा उन बच्चों, उन अभिभावकों और उस समाज के साथ हो रहा है जिसमें हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को चकनाचूर होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। अंशु अरोड़ा, फरीदाबाद। ऐसा है सर, फरीदाबाद के शिक्षा विभाग के तहत जितने भी ये प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं, और ऐसे तमाम स्कूल हैं। मैंने सिर्फ 10 स्कूलों की RTI मांगी जिसमें से 8 स्कूल शिक्षा विभाग खुद मान रहा है कि ये फर्जी हैं, इनके पास कोई भी मान्यता नहीं है, उसके बावजूद भी ये चल रहे हैं। और 2 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 7वीं तक मान्यता है, उसके बाद भी ये 10वीं तक चल रहे हैं। कितने बच्चे हैं स्कूलों में, आपने अगर देखा हो तो? आप हजारों बच्चे हैं सर, एक एक स्कूल में हजारों। इसमें एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं। वो भी उसकी भी मान्यता नहीं है, वो दिया हुआ है सर, आप देख सकते हैं, इसमें पूरी लिस्ट है।
आपने कब ये RTI लगाई थी और कब इसका जवाब आपको मिला? से आपको मतलब अब यहाँ तक सफलता मिली है क्या क्या? सर ऐसा है, हमने बहुत सारे स्कूलों पे अभी पीछे 134 के तहत हमने सर्वे करना शुरू किया। सरकार के नियमानुसार उनमें फ्री बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था, तो हमने इसमें बहुत सारा पाया कि बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास किसी के पास मान्यता नहीं है, कोई फॉलो सरकार के नियम के फॉलो नहीं कर पाता है। इस तहत हमने बहुत सारे स्कूलों में गए जिसमें हम ये 10 पहले हमने छांटे, ऐसे अभी हम आगे भी इनसे जवाब मांगने के लिए। आपने कब RTI लगाई थी और कब आपको इसका जवाब मिला? सर हमने ये RTI करीब मई में लगाई थी और उसमें हमें इन्होंने जवाब दिया था कि भाई मई में ही इन्होंने शुरुआत में हमने लगाई थी और इन्होंने जवाब दिया कि हाँ भाई ये हमारे पास मान्यता नहीं है इन स्कूलों की। उसके बाद हमने कंप्लेन दी इनको, CM विंडो लगाया कि भाई अगर मान्यता नहीं है तो इन स्कूलों को निरस्त किया जाए, इनको रोका जाए चलाने से, ये तो धोखाधड़ी है पब्लिक के साथ। तो विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? विभाग की तरफ से आश्वासन मिला कि जल्द ही इसको बंद करने के आदेश दिए जाएंगे और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि बच्चों का भी नुकसान ना हो भविष्य का, तो उन्होंने कहा कि जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उसमें ये बच्चे शिफ्ट कराए जाएंगे, नहीं तो जो सरकारी में जाना चाहता है सरकारी में जाएं, लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से बंद कराने के आश्वासन दिए उन्होंने। विभाग के द्वारा जो RTI की सूचना दी गई थी 10 स्कूलों की, उसमें 2 मान्यता प्राप्त हैं और 8 स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस RTI से ये CM विंडो में मामला चला गया। CM विंडो में मामला जाने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर ये सही नहीं पाए जाते तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका नज़दीक के स्कूलों में इनका दाखिला करवाना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी स्कूलों पर? अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके जो भी कार्रवाई बनती होगी उसका कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से जिस तरीके से आपके विभाग के पास उनकी मान्यता ही नहीं है, हाँ जी, तो गलत तो ही है वो। हाँ जी बिल्कुल। और अगर वहाँ वो बच्चे पढ़ाते पाए गए, आप यही कह रहे हैं, तो बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में करा दें और उनको बंद करा दें। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी यही। ठीक है, तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि 2 स्कूल जो आपके मिले हैं, जो RTI के थ्रू मांगा गया था जवाब, हाँ जी, वो आपके विभाग में यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, हाँ, मान्यता प्राप्त है बिल्कुल, हाँ जी, और हाँ 8 स्कूल जो हैं उनका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोई मान्यता प्राप्त है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। KP कॉन्वेंट स्कूल में हूँ और मुझे 3 ईयर हो गए हैं। अच्छा, तो 2015 से हूँ मैं। ओके, क्या डेजिग्नेशन क्या है आपकी? क्या कहते हैं, यहीं से चार्टर चौक से। नहीं, ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ है। मैडम जी, डेजिग्नेशन आपका ओहदा, आपका पद क्या है? वाइस प्रिंसिपल हैं आप। ओके, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो KP कॉन्वेंट स्कूल है या KP पब्लिक स्कूल, एक ही बात है? हाँ जी। हैं, बोलिए ना। हाँ हाँ, एक ही बात, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या ये मान्यता प्राप्त है? हाँ जी, मान्यता प्राप्त है। कितने तक की मान्यता प्राप्त है? 8 तक है। 8 तक, हाँ जी। लेकिन इसमें बोर्ड जो है 12 तक का लगा रखा है, क्या कारण है? ये तो सर आप बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता आपको? आपके आपका स्कूल 8वीं तक आप बता रही हैं कि मान्यता प्राप्त है, बोर्ड आपने 12 तक लगाए हुए हैं, क्या ठीक है ये? इसका गलत है, बच्चे तो है ही, अभी तो सिर्फ रास्ते के बच्चे हैं हमारे। गलत है या सही है पूछ रहे हैं? इस तरह से लगा सकते हैं आप, इस तरह से बोर्ड आप लगा सकते हैं? सरकार की लिस्ट में आपका स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, क्या कहेंगे इसमें? सरकार आपके स्कूल को गैर मान्यता प्राप्त बता रही है, लिस्ट जारी की है, आपके पास है कागज मान्यता के? सर के पास है।